जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएल बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे अभी तक टोटल 11 चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं, यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 12 त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी प्रारंभ हो रहा है, जिसका दोस्तों यह लेक्चर नंबर कौन सा होगा? पहला चैप्टर। बारह का लेक्चर नंबर है पहला। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर नंबर 12 का क्या नाम है? त्रिभुज त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की अंगों की जानकारी तथा इनके अंगों की जानकारी। दोस्तों इस चैप्टर को काफी लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार था कि सर ज्यादा जल्दी जल्दी त्रिभुज पढ़ाइए, वृत्त पढ़ाइए, आयत पढ़ाइए, वर्ग पढ़ाइए। तो दोस्तों आपका जो सब्र होगा था, जो आपका इंतजार था दोस्तों, वह खत्म हो रहा है और आज से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों मैंने जब सिलेबस लिखाया था तो चैप्टर नंबर जो दोस्तों हमने 12 बताया था उसमें दोस्तों कोणों के प्रकार, जब सिलेबस बताया था कोणों के प्रकार और ब्रैकेट में लिखा था न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। चैप्टर नंबर दोस्तों कौन सा, जैसे ये हमने कहा था चैप्टर नंबर 12 है, उसमें जो सिलेबस मैंने लिखाया था उसमें चैप्टर नंबर 12 पे लिखाया था दोस्तों मैंने कोणों के प्रकार, ब्रैकेट में दोस्तों न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तो दोस्तों मैंने वो पहले ही सिखा दिया चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 3 में दोस्तों मैंने बता दिया है कि कोणों के प्रकार के बारे में मैंने विधिवत चर्चा की थी और सभी जितने कोणों के प्रकार होते सभी से मैंने चर्चा की है और उसी में मैंने आपको बताया था न्यून कोण क्या होता है, समकोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है और जो भी कोणों के प्रकार है उस पर मैंने चर्चा कर ली है। इसे दोस्तों मैंने चैप्टर नंबर 12 पे, जो चैप्टर नंबर 12 जो वहां पे था कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, उसको वहां वो पहले ही करा दिया इसलिए उसको मैंने उसको हटा दिया है और क्या चैप्टर नंबर 12 पे क्या कर दिया है, ये वाला चैप्टर त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अंगों की जानकारी। ठीक दोस्तों, तो यानी दोस्तों ये चैप्टर नंबर कौन चल रहा है 12। तो दोस्तों आपका सिलेबस बहुत ही नजदीक है, अंत की ओर है, समाप्ति की ओर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद आप सभी भाई बहन नोट्स भी अच्छे से बनाए होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप सभी भाई बहन चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं सिलेबस समाप्त होने के बाद, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस सेट लिख दीजिएगा या दोस्तों अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख के दोस्तों भेजिए, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं। दोस्तों डीएलएल फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड कराया है, कहने का मतलब चैप्टर 1 से लगाकर चैप्टर नंबर 11 तक मैंने आपको कंप्लीट कराया, हर टॉपिक दोस्तों बहुत अच्छे से कराने का प्रयास किया। यदि आप चाहते कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएल फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे सारे वीडियोस वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके
और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। उस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यदि आप अभी तक मैंने जितना आपको सिखाया है, कहीं से भी किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों डाउट है, तो आप उस क्वेश्चन की क्या स्क्रीनशॉट लेके या कोई आपका क्वेश्चन है उसको लिख के दोस्तों आप क्या टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर सकते हैं। तो मैं उन क्वेश्चनों को देखूंगा और मैं किसी ना किसी क्लास में उसको दोस्तों बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या चैप्टर है, त्रिभुज आयत वर्ग एवं वृत्त की अवधारणा तथा इनके अनुभव की जानकारी। तो पहला टॉपिक क्या है, त्रिभुज ट्रायंगल क्या होता है। तो एक एक टॉपिक के बारे में दोस्तों जानकारी प्राप्त करते हुए चलेंगे। तो पहली हेडिंग आज की डाल लीजिए, त्रिभुज ट्रायंगल। त्रिभुज, तो दोस्तों हमारा ट्रायंगल क्या होता है उसको देखते हैं दोस्तों, लिख लीजिए, उसके बाद मैं एक एक चीज आपको समझाता हूं। तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को, घिरी आकृति को आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं भैया, त्रिभुज कहते हैं। तो यहां से दोस्तों स्पष्ट भी क्या रहा, त्रिभुज, त्रि माने तीन दोस्तों, भुज माने भुजा, त्रिभुज लिखा है तो त्रि का मतलब दोस्तों तीन होता है और भुज का मतलब भुजा, ठीक है। तो यानी कि तीन भुजाओं से जो दोस्तों हमारी बंद आकृति होती है, तीन भुजाओं से जो बंद आकृति हमारी तैयार होती है या जो घिरी आकृति होती है दोस्तों, वह हमारी त्रिभुज कहलाती है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, जैसे एक भुजा दोस्तों हमने ये ले ली, दूसरी भुजा दोस्तों हमने ये ले ली और तीसरी भुजा ये ले ली, इनके नाम दे देते हैं ए बी सी। तो ध्यान से दोस्तों देखिएगा, तीन ही भुजाएं तो कौन सी, एक भुजा ए बी है, दूसरी भुजा बी सी है और दोस्तों तीसरी भुजा कौन सी, ए सी या सी ए है दोस्तों तीन भुजा, इसलिए क्या तीन भुजाओं, क्योंकि त्रिभुज में तीन ही भुजाएं हो, तीन भुजाओं से जो घिरी आकृति होती, घिरी आकृति का बंद आकृति, कहीं इसमें जाने के लिए रास्ता है या त्रिभुज के अंदर जाना चाहे तो कहीं रास्ता है, क्योंकि चारों तरफ से बंद है, इसलिए कहा तीन भुजाओं से जो घिरी हुई आकृति होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। और दोस्तों देखिएगा अगली पॉइंट, त्रिभुज में दोस्तों कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में दोस्तों तीन शीर्ष होते हैं, कौन सा, ये एक शीर्ष ये हुआ, ये दूसरा शीर्ष हुआ, ये तीसरा शीर्ष हुआ, एक दो तीन। तो त्रिभुज में दोस्तों तीन भुजाएं होती हैं और तीन शीर्ष होते हैं, और दोस्तों तीन शीर्ष के साथ साथ इनके तीन कोण भी होते हैं, जैसे जैसे कोण क्या, कोण जैसे ये वाला, ये दोस्तों हमारा कोण कहलाएगा ए, कोण बी, कोण सी। तो यहां से स्पष्ट हुआ दोस्तों त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, समझ गए ना दोस्तों। तो ये दोनों बातें लिख लीजिए, तीनों बातें फटाफट लिख लीजिए, क्या त्रिभुज में, नई लाइन से, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं, नई लाइन से लिखना, त्रिभुज में, त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन शीर्ष, तीन भुजा या तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। आगे देखिए, क्या त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तथा तीन कोण होते हैं, इसलिए लिखा त्रिभुज में तीन शीर्ष, तीन भुजाएं तथा तीन कोण होते हैं। और दोस्तों अगली बात ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल दोस्तों जो होता है वह 180 डिग्री होता है। अंतः कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल, जो ये बनना है इसका एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इन तीनों का दोस्तों जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है। तो लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, लिख लीजिएगा त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः मतलब एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोणों का, कोणों का योगफल
योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंडाकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक दोस्तों, यानी कि लिखना चाहें तो दोस्तों लिख सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वाला कोण ये, प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। इस बात को दोस्तों लिख सकते हैं। दोस्तों एक दूसरा भी तरीका लिखने का है, जैसे हम क्या एंगल ए को लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखते हैं कोण बी ए सी, कैसे दोस्तों, इसी को दोस्तों चाहे इस रूप में लिख लिए ऐसे, या अथवा करके दोस्तों मैं लिख रहा हूं एंगल क्या बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल कितना बी सी ए बराबर 180 डिग्री। दोनों का सेंस दोस्तों एक ही है, चाहे आप ऊपर वाला लिखें और चाहे नीचे वाला लिखें, दोनों का मतलब दोस्तों हमारे एक ही है। कहने का दोस्तों मतलब क्या है, दोस्तों जब तीन, एक दो तीन टर्म है ना, तीन अल्फाबेट है ना इसमें, तो दोस्तों जो बीच वाला होता है वह माना जाता है, क्या जो बीच वाला होता है वह माना, यानी कि यहां पे दोस्तों क्या बी और सी का सपोर्ट कर रहे हैं, बीच में दोस्तों कौन सा ए, तो पढ़ा जाएगा एंगल ए, पढ़ने को तो पढ़ेंगे एंगल बी ए सी, क्योंकि बात किसकी कर रहा है यहां पर, ए की। जैसे यहां पर क्या एंगल ए बी सी, तो ए और सी का सपोर्ट कर रहे जो बीच में होता है वह एंगल माना जाता है, यानी कि बी की चर्चा कर रहा है। जैसे यहां बी लिखा खाली तो बी की चर्चा कर रहा है, ए और सी सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं, यहां दोस्तों चर्चा एंगल सी की हो रही जो बीच में होता है उसकी चर्चा करते हैं, और बी और ए इसका सपोर्ट कर रहा है, इसलिए एंगल यहां खाली सी लिखा था यहां सी लिखा, दोस्तों बड़ा कितना 180 डिग्री। चाहे आप इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, दोनों का सेंस दोस्तों क्या एक ही है, क्योंकि यहां आपने लिखा त्रिभुज के तीनों अंडाकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा, उसके सेंस में आपने ये लिखा है। तो आपने दोस्तों जाना कि त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं, तीन होते हैं, त्रिभुज में भुजाएं भी दोस्तों तीन होती है, कौन सी भुजा पूछी त्रिभुज में तीन कौन सी, शीर्ष दोस्तों हमारे त्रिभुज में कौन से, तीन शीर्ष कौन से हैं, तीन शीर्ष दोस्तों शीर्ष, तो दोस्तों त्रिभुज में शीर्ष कौन कौन से हमारे पास और भुजाएं और दोस्तों क्या कोण, तो दोस्तों त्रिभुज में शीर्ष कितने हैं, ए शीर्ष है हमारा, बी शीर्ष है और कौन सा सी शीर्ष है, भुजाएं कौन सी दोस्तों ए बी, दूसरी भुजा दोस्तों कौन सी है बी सी, और तीसरी भुजा दोस्तों कौन सी है सी ए या ए सी, सी ए लिख लें चाहे ए सी लिख लें चलेगा दोस्तों, और कोण दोस्तों कौन सा है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, या दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी ए, इस रूप में भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको जितना त्रिभुज के संबंध जानकारी था दोस्तों उसको मैंने बता दिया। अब दोस्तों इसके बाद चर्चा करेंगे त्रिभुज के अंगों के बारे में, क्या कह रहा है, अवधारणा बतानी है, उनके अंगों की जानकारी, अब इनके अंगों के बारे में जानकारी करते हैं। त्रिभुज तो आपने सीख लिया कि त्रिभुज किसे कहते हैं और उसमें कितने शीर्ष होते हैं, कितनी भुजाएं होते हैं और कितने कोण होते हैं, और त्रिभुज के तीनों अंडाकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होगा, आपने इतना सीख लिया दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको लिख लीजिए फटाफट, फिर आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों अब अगली हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए त्रिभुज के अंग, क्या हेडिंग डालेंगे दोस्तों, त्रिभुज के अंग, हेडिंग डाल लीजिए त्रिभुज के अंग, त्रिभुज के अंग, और दोस्तों इसमें लिख लीजिएगा त्रिभुज के निम्नलिखित अंग हैं, क्या लिख लेंगे, त्रिभुज के निम्नलिखित अंग हैं, ठीक है, त्रिभुज के निम्नलिखित अंग हैं, और दोस्तों पहले हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों फटाफट पहले क्या, भुजा, पहले हेडिंग क्या डालिए, भुजा, इसको रफ करें, चलिए त्रिभुज के निम्नलिखित अंग है उसमें इसके अंतर्गत पहली हेडिंग डाल लीजिए भुजा, क्या रहेगी दोस्तों पहली हेडिंग भुजा, मतलब त्रिभुज की भुजा या भुजा डाल लीजिए, त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा,
साइड ऑफ ट्रायंगल जिन तीन रेखाओं से समतल या तल भी लिख सकते हैं। तल के बारे में मैंने आपको चर्चा की ना, तल के बारे में या समतल के बारे में आपसे चर्चा की है। तो क्या जिन तीन रेखाओं से समतल घिरा हुआ होता है, घिरा हुआ होता है उन तीनों सरल रेखाओं को जिन तीन सरल रेखाओं से समतल घिरा हुआ होता है उन तीनों सरल रेखाओं को त्रिभुज की भुजा कहते हैं, आपको लग रहा सर ये तो बहुत नॉर्मल है, तो हम पहले से जानते हैं। जानते तो आप होंगे पहले से, बट इसको एक डिफिनेशन के रूप में कहा जाए बता दीजिए तो बताने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए मैंने क्या इसको डिफिनेशन के रूप में भी आपको बता दिया। क्या जिन तीन रेखाओं से समतल घिरा हुआ होता है उन तीनों सरल रेखाओं को त्रिभुज की भुजा कहते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे ये दोस्तों हमारा बना जाके ए बी और सी, एक त्रिभुज एबीसी बन गया दोस्तों। अब क्या कहा जिन तीनों रेखाओं से, तो दोस्तों कौन सी रेखा, ए बी रेखा है, डीसी रेखा है और सी ए रेखा, अभी मैंने लिखा भी था इन तीनों रेखाओं से समतल घिरा है कि नहीं, ये इतना जितना इसके अंतर्गत है ए बी सी, इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्रफल आ रहा है, जो भी तल आ रहा है दोस्तों, वो इससे घिरा है कि नहीं, इसलिए कहा है कि जिन तीन रेखाओं से समतल घिरा हुआ होता है उसे उन तीनों रेखाओं को क्या कहते हैं, त्रिभुज की भुजा कहते हैं। तो दोस्तों यहां त्रिभुज की भुजा कौन कौन सी हो जाएंगी, त्रिभुज की भुजा, अभी जैसा कि मैंने बताया भी था, कौन सी दोस्तों, पहली भुजा हमारी हो जाएगी ए बी हो गई दोस्तों, दूसरी कौन सी हो जाएगी बी सी, एंड तीसरी दोस्तों कौन सी वैसी है, ये तीनों दोस्तों त्रिभुज की भुजाएं होंगे। तो मुझे उम्मीद है बहुत आसान है, समझ चुके होंगे। अगले दिन डालते हैं आधार, आधार ठीक है, आधार सेकंड पॉइंट है ना, वो पहला पॉइंट था, ये दोस्तों कौन सा होगा सेकंड पॉइंट, डालना चाहिए सेकंड पॉइंट डाल सकते, त्रिभुज का आधार ठीक है, बेस ऑफ ट्रायंगल दोस्तों। तो लिखिए इसको फटाफट, ध्यान से देखिए दोस्तों, लिखिए त्रिभुज की वह भुजा, त्रिभुज की वह भुजा भुजा जिस पर त्रिभुज टिका होता है या खड़ा होता है, त्रिभुज खड़ा होता है, त्रिभुज का आधार कहलाता है, क्या कहलाता है, त्रिभुज का आधार कहलाता है। बेसिक दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या बेसिक जानकारी होगी तभी तो आपको आप सभी बच्चों को अच्छा सिखा पाएंगे, है कि नहीं, इसलिए मैं हर बेसिस को बताने का दोस्तों प्रयास करता हूं। क्या त्रिभुज की वह भुजा जिस पर त्रिभुज खड़ा होता है, जैसे क्या बीसी पर त्रिभुज खड़ा है कि नहीं खड़ा है, तो इसका आधार, इस त्रिभुज का आधार कौन सा होगा, बीसी। तो इस त्रिभुज का दोस्तों आधार क्या हो जाएगा, हमारा आधार क्या है, इसमें आधार दोस्तों कितना आ जाएगा, बीसी, यानी कि जो त्रिभुज एबीसी बना लीजिएगा, त्रिभुज बना लीजिए एबीसी और यह दोस्तों लिखना है उसके नीचे बीसी इसका आधार है, है कि नहीं दोस्तों। चलिए अगली दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज का शीर्ष कोण, देखिए अगला देखिए, त्रिभुज का शीर्ष कोण,
तीसरी हेडिंग दोस्तों है त्रिभुज का शीर्ष कोण। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज की आधार भुजा के सामने वाला कोण, त्रिभुज की आधार भुजा के सामने वाला कोण, त्रिभुज का शीर्ष कोण कहलाता है। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या, त्रिभुज की आधार भुजा के सामने वाला कोण दोस्तों त्रिभुज का शीर्ष कहलाता है। तो त्रिभुज की आधार भुजा मैंने अभी बताया क्या BC है, और इसके सामने दोस्तों हम लाइन खींचिए ऐसे ऊपर की ओर, तो इसके सामने कौन सा कोण पड़ रहा, कोण A। क्या पड़ रहा, कोण A। तो दोस्तों कोण A जो दोस्तों हमारा ये होगा, या दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा, आधार कोण, या आधार कोण कह लें, या दोस्तों या इसी आधार कोण ना कह के शीर्ष कोण कह लें दोस्तों ज्यादा। क्या हेडिंग में शीर्ष कोण पड़ी है, तो त्रिभुज का दोस्तों यह कहलाएगा शीर्ष कोण। ठीक है, तो आधार के सामने सीधी लाइन खींच देंगे, जो कोण प्राप्त होगा वह हमारा दोस्तों शीर्ष कोण कहलाएगा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो वर्टिकल एंगल ऑफ ट्रायंगल दोस्तों आप समझ चुके होंगे। चलिए अगली हेडिंग डालिए दोस्तों, इसको रब कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना दोस्तों, और आ रहा दोस्तों, तो एक बार झूम के शेयर करते रहिए अपने अपने हिस्सा से, आप सभी भाई बहन शेयर जरूर करते रहे। हेडिंग दोस्तों चार है, त्रिभुज की माध्यिका। हेडिंग डालिए त्रिभुज की माध्यिका, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। लिखिए दोस्तों फटाक से, वह सरलरेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली रेखा, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली रेखा लिखा दोस्तों क्या कह रहा, वह सरल रेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली रेखा या भुजा के मध्य बिंदु को मिलाती है त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा कैसे दोस्तों क्या क्या होगी माध्यिका। दोस्तों यह एक ट्रायंगल हमारे पास है, दिख रहा है ना, चलिए
इसका नाम है ए बी और सी। क्या कहा? वह सरलेखा जो त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के क्या हो? मध्य, माध्यम लिखे ना, मध्य बिंदु को सामने वाली भुजा के मध्य, मध्य मतलब बीच बिंदु को मिलाती है त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या वह सरलेखा जो जो त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज का दोस्तों शीर्ष कौन सा? ये शीर्ष से सामने वाली भुजा, तो त्रिभुज के शीर्ष के सामने वाली जो भुजा चाहिए तो सीधी लाइन खींच दीजिए जैसे अभी खींचा था, तो यही तो मिलेगी। और दोस्तों इसको क्या करें, इसका मध्य बिंदु तो बीसी का दोस्तों मध्य बिंदु देख लीजिए, तो मान लेते बीसी का मध्य बिंदु दोस्तों ये हमारा इस समय यहां पर है, तो दोस्तों इसको जब हम मिला देंगे तो दोस्तों यह हमारा क्या कहलाएगी? सरलेखा कहलाएगी। एडी मतलब क्या कहलाएगी? सरलेखा कहलाएगी, त्रिभुज की माध्यिका कहलाएगी। और माध्यिका का काम क्या होता है? किसी भी त्रिभुज में यदि माध्यिका खींची जा रही है तो जिस भुजा पर दोस्तों वह पड़ रही है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांटती। कहने का मतलब दोस्तों यदि माध्यिका दोस्तों क्या बीसी, त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है और दोस्तों क्या बीसी पे वह पड़ रही है, तो दोस्तों क्या यहां पर बीडी बराबर हमारा क्या हो जाएगा? बीडी बराबर दोस्तों हमारा सीडी हो जाएगा। क्या बीडी के जो बराबर किसके सीडी है? बीडी 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना दोस्तों? सीडी भी 2 सेंटीमीटर होगा। यदि टोटल बीसी हमारा दोस्तों 4 सेंटीमीटर है तो क्या बीडी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा और सीडी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक त्रिभुज और लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, ये दोस्तों हमारा त्रिभुज है कौन सा, इसका नाम लेते हैं पी क्यू आर। तो दोस्तों अब क्यू आर की क्या, क्यू आर का मध्य बिंदु लेंगे तो मान लेते क्यू आर का दोस्तों ये मध्य बिंदु है, यहां पर दोस्तों क्या है मध्य बिंदु, तो दोस्तों यहां से इस पर लंब, ये क्या लंब नहीं माध्यिका खींचेंगे क्योंकि हमको क्या मध्य बिंदु को मिलाना है, तो पी एस, तो दोस्तों पी एस माध्यिका हो जाएगी। क्या पी एस, और यहां पे क्या क्यू एस बराबर कितना हो जाएगा? एस आर या आर एस। क्या क्यू एस बराबर दोस्तों वहां कितना हो जाएगा? आर एस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका का काम भी काम ही है कि जिस भुजा पे माध्यिका पड़ती है उस भुजा को दोस्तों क्या वो समान दो भागों में डिवाइड कर देती, बांट देती। तो दोस्तों क्या इसलिए क्या बीडी बराबर कितना होगा? डीसी होगा। तो माध्यिका दोस्तों हमारी कौन सी? एडी माध्यिका होगी। एडी क्या दोस्तों हमारा है यहां पर? एडी दोस्तों हमारी क्या है? माध्यिका है, त्रिभुज की क्या है? माध्यिका है, मीडियन। तो मुझे उम्मीद आप मीडियन समझ चुके होंगे। मीडियन का काम क्या होता है त्रिभुज में? जिस भुजा पे मीडियन पड़ती है उसको क्या करती है? समान दो भागों में डिवाइड कर देती है। बीडी बराबर डीसी से हमने एग्जांपल भी दिया, जैसे मान लेते 6 सेंटीमीटर बीसी होती है, या यहां मान लेते हैं क्यू आर हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो दोस्तों क्यू एस भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और एस आर भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि माध्यिका का काम ही क्या होता है? जिस भुजा पे पड़ती है उसको समान दो भागों में बांट देती है। ठीक दोस्तों, चलिए अगली रीडिंग दोस्तों डालते हैं। पांचवी, त्रिभुज की ऊंचाई। ये चित्र बना लीजिएगा दोस्तों, त्रिभुज की ऊंचाई। पांच नंबर है दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों त्रिभुज की ऊंचाई कैसे हम पहचाने की त्रिभुज की कितनी ऊंचाई कैसे निकालने? देखिए त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब त्रिभुज की ऊंचाई कहलाती है। त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्रायंगल, ऊंचाई कहलाती है। इसका सेंस समझिए दोस्तों,
कह रहा त्रिभुज के किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब। जैसे दोस्तों क्या, या दोस्तों हमारा एक त्रिभुज हो गया ए बी और सी, ठीक है, और इसकी क्या इसके शीर्ष से किसी भी चाहे शीर्ष से खींचे चाहे शीर्ष से चाहे शीर्ष से ए बी सी सभी क्या शीर्ष है, तो इसके सामने वाली भुजा पर देखिए ध्यान से देखिए इस पे दोस्तों ये लंब खींच, लंब खींचने का मतलब क्या, जैसे लंब क्या होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इधर भी 90 बनेगा दोस्तों और क्या इधर भी 90 बनेगा। तो दोस्तों जो हमारा AD जो होगी यहां पर इस कंडीशन में दोस्तों जो हमारा AD होगा वह त्रिभुज का क्या कहलाएगी, त्रिभुज की ऊंचाई हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या कहलाएगी दोस्तों, त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। यानी क्या, यदि हम इधर से बी से इस पे लंब डाल देते हैं तो बी डी या बी जो इस किस्मा एसी पर क्या, यदि यहां पे हमारा क्या है ए डी लंब किस पे है बी सी, ये हमने लिखना अभी आपको सिखाया है ए डी लंब किस पे दोस्तों, यानी कि ए डी लंब बी सी ये लिखने का दोस्तों तरीका होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों हमारा जो AD बनके तैयार हुआ त्रिभुज की ऊंचाई कहलाएगी। अब दोस्तों यदि B से इस पे डालते हैं तो हमारा जैसे BD यहां पे D लेते हैं तो BD दोस्तों लंब कितना हो जाता है AC पर, तो दोस्तों हमारे BD क्या ऊंचाई हो जाती। और दोस्तों यदि C से इस पे AB पर लंब डालते हैं तो क्या होगा CD, तो दोस्तों हमारी CD क्या हो जाती त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती और इस भुजा पे लंब पड़ जाता, तो दोस्तों जैसे यहां 90 बना वैसे यहां 90 हो जाता, ठीक दोस्तों। तो क्या त्रिभुज की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाल दीजिए, जो लंब की ऊंचाई दोस्तों होगी वही त्रिभुज की क्या कहलाएगी ऊंचाई कहलाएगी हाइट कहलाएगी दोस्तों, ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए पॉइंट नंबर दोस्तों 6, त्रिभुज का अंताकोण करें, त्रिभुज का ये सब अंग चल रहे हैं दोस्तों, कौन सा नंबर दोस्तों हो गया हमारा 5 नंबर, छह नंबर होगा ना, 5 तो पढ़ ही जाता। त्रिभुज का अंताकोण ना, त्रिभुज का अंताकोण, अंताकोण एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल दोस्तों लिख लीजिए फटाफट, किसी त्रिभुज की भुजाओं के बीच बना कोण, भुजाओं के बीच बना कोण त्रिभुज का अंतःकोण एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। क्या कहा, किसी त्रिभुज की भुजाओं के बीच बना कोण त्रिभुज का अंतःकोण कहलाता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी था, एक हमारा ट्रायंगल होगा कौन सा, इतनी देर से बनाते चले जाएगा कौन सा ए बी सी, तो दोस्तों हमारे क्या अभी मैंने बताया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो अंतःकोण दोस्तों कौन सा, दोस्तों कोण हमारा जैसे ए होगा ये अंदर का कोण है, ये बी होगा अंदर का कोण, और कौन सा सी, भाई यही तो तीन कोण बनेंगे त्रिभुज में, अभी हमने शुरुआत में बताया त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तो दोस्तों जो अंदर के तीनों कोण कहलाएंगे वो दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगे अंताकोण, से ये वाला कोण दोस्तों और कौन सा ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये तीनों दोस्तों हमारे जो कोण होंगे वो कौन सा कोण कहलाएंगे अंताकोण कहलाएंगे अंताकोण। दोस्तों ये डिजाइन मत समझिएगा कि मैंने इस तरीके से डिजाइन बना दिया, डिजाइन नहीं है, मैंने बताया कि या कोण मतलब लाइन खींच के बता दिया कि तीनों दोस्तों हमारे क्या कहलाएंगे अंताकोण कहलाएंगे, तो कोण ए कोण बी कोण सी दोस्तों है त्रिभुज के हमारे अंताकोण है, ठीक है। अगला दोस्तों बात करते हैं त्रिभुज का बहिष्कोण, चलिए त्रिभुज का बहिष्कोण, बढ़िया दोस्तों ये त्रिभुज का बहिष्कोण,
इसको सभी को जानना भी बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। त्रिभुज का भाई छोड़िए अंग, त्रिभुज का सातवां नंबर दोस्तों है, त्रिभुज का त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों लिखिए फटाफट, त्रिभुज का बहिष्कोण किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को फास्ट तो नहीं पढ़ा रहे दोस्तों आज, समझ में तो आ रहा होगा ना? चलिए, क्योंकि बहुत बेसिक है, मैं बताने का प्रयास भी पूरा पूरा दोस्तों कर रहा हूं और समझ में तो आ ही रहा होगा बहुत बेसिक। क्या यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बाहर की ओर बना कोण त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। बाहर की ओर बना कोण त्रिभुज का बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए कैसे, बहुत अच्छे समझिएगा दोस्तों। दोस्तों यह त्रिभुज हमारा कौन सा होगा? ए बी और दोस्तों कौन सा सी, ए बी सी दोस्तों हमारा एक क्या है? त्रिभुज है। क्या कहा? यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए, आगे की ओर बढ़ाया जाए, ध्यान समझिएगा क्या बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार बाहर की ओर बना कोण त्रिभुज का बहिष्कोण कहलाता है। हाँ ठीक है, क्या यदि किसी त्रिभुज की कोई एक भुजा या कोई कहने या किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो इसमें से चाहे ए बी भुजा को आगे की ओर बढ़ाइए, चाहे बी सी भुजा को आगे की ओर बढ़ाइए, चाहे सी ए भुजा को आगे की ओर बढ़ाइए। दोस्तों मैं बी सी भुजा को आगे की ओर बढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो देखिए ध्यान से ये भुजा, और दोस्तों मैंने यहां तक बढ़ा दी इसको बिंदु डी तक। तो दोस्तों अब बाहर क्या कहा, आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार बाहर की ओर बना कोण, तो बाहर की ओर दोस्तों कोण क्या, बीसी भुजा को मैंने क्या बिंदु डी तक बढ़ा दिया, तो बाहर की ओर दोस्तों कौन सा कोण बनना, यह वाला कोण बनना, यह कोण यानी कि एंगल ए सी डी, क्या एंगल ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है। इस त्रिभुज के हिसाब से लिखना चाहे उदाहरण में तो दोस्तों क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी डी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ये चीज लिख सकते हैं क्या, एंगल ए सी डी। इसी प्रकार दोस्तों यदि हम भुजा ए सी को आगे की ओर बढ़ा दें इसको दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों
तो दोस्तों इसको यदि हम आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो दोस्तों हमारा कौन सा एंगल बनेगा, ई दे देते दोस्तों इसको क्या ई, तो दोस्तों हमारा ये भुजा बना जाके ना, ये कोण बना जाके, तो एंगल कौन सा बी ए ई, क्या दूसरा दोस्तों एंगल कौन सा बी ए ई, त्रिभुज ए बी सी का बाईस कोण है, बाईस कोण बनता है यह है। और इसी प्रकार दोस्तों यदि भुजा ए बी को क्या करें, इसको दोस्तों इस तरीके से बढ़ा दें यहां पर इस साइड में दोस्तों इस तरीके से, तो दोस्तों हमारा कौन सा एंगल बनेगा, कहां पे बनेगा दोस्तों बाईस कोण, ये बी इधर लिख दे रहा हूं दोस्तों, तो दोस्तों हमारा यह वाला एंगल जो बनेगा ये वाला, ये कौन सा एफ ये दे देते हैं दोस्तों, तो एंगल कौन सा तीसरा पॉइंट, एंगल एफ बी सी त्रिभुज ए बी सी का बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ये समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से बहिष्कोण निकाल लेते हैं, यानी कि किसी एक भुजा को आगे की ओर बढ़ा देंगे दोस्तों। अब मैंने तो तीनों दिखा दिए हैं, आप किसी एक बहिष्कोण दिख रहा है आगे की ओर बाहर की ओर, किसी त्रिभुज में बाहर की ओर को जो कोण बनना है दोस्तों वो हमारा बहिष्कोण कहलाएगा। और दोस्तों बहिष्कोण के लिए एक प्रमेय दोस्तों प्रसिद्ध है, क्या आपने पढ़ा भी होगा कि बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, क्या बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, कैसे दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे मैं इन दो को रख कर रहा हूं, ये तो बना चुके होंगे ना, आप समझ चुके हैं ना इसको, ठीक है इसको रख करो, तो दोस्तों ध्यान से देखिए इस चित्र को, आप पहले बना चुके होंगे, नहीं बनाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप ध्यान से देखिए, जैसे मान लेते हैं सिर्फ क्या हमारे पास होता है यही इतना ए, ये यहां पे था बी, और दोस्तों क्या ये सी और डी, तो दोस्तों यदि यहां हमने कहा बहिष्कोण, इसको लिख लीजिए नोट करके इस पॉइंट को, बहिष्कोण बहिष्कोण अपने सुदूर अपने सुदूर बहिष्कोण अपने सुदूर अंताभिमुख कोणों के अंताभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, बराबर होता है, क्या कहा बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर, कहने का मतलब दोस्तों इसका पड़ोसी को छोड़कर, इसका पड़ोसी दोस्तों इसको छोड़कर यह इसके और इसके योगफल के बराबर होगा, क्या कहा बहिष्कोण अपने सुदूर मतलब सुदूर अंतःभिमुख कोण मतलब इसको पड़ोसी सुदूर, यह तो पड़ोस में हो गए, सुदूर मतलब जो पड़ोस हो उसको छोड़कर उसके बाद वाले जो एंगल बचते हैं, तीन ही एंगल होते हैं, तो जब पड़ोसी को छोड़ दोगे दो ही एंगल तो बचेंगे एंगल ए और एंगल बी, तो इनके योगफल के बराबर होता है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे इसके, इस त्रिभुज यही चित्र होता है दोस्तों, तो क्या लिखते हैं दोस्तों बहिष्कोण कौन सा यहां पर है, बहिष्कोण कौन सा दोस्तों, एंगल कौन सा ए सी डी, ये किसके बराबर दोस्तों होगा, एंगल ए प्लस बी के, या दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल क्या बी ए सी प्लस एंगल दोस्तों कौन सा ए बी सी, लिख सकते क्या ना एंगल ए सी डी दोस्तों, लिख सकते क्या एंगल ये वाला ए वाला बीच में है कि नहीं, तो बी ए सी और प्लस एंगल ए बी सी इनके योगफल के बराबर होता है। तो इस थ्योरम को याद रखिएगा कि बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की जो क्लास है आप सभी भाई बंधुओं को अच्छी लगी होगी, और दोस्तों अच्छी लगी हो तो जम के शेयर करिए और कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा, फिर आप सभी भाई बंधुओं के अगले क्लास में दोस्तों नाम लेने का दोस्तों प्रयास करूंगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों त्रिभुज के बारे में आप आज सीख लिया कि त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज के अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली दोस्तों, अभी त्रिभुज के संबंध में कुछ और जानकारी आपको सीखने को मिलेगी, फिर प्रश्नों पे दोस्तों धीरे धीरे चर्चा करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।